तो ये रहा यहाँ पर भाई 1 रुपये का सिक्का। अब मैं इसको यहाँ पर लगा करके देखता हूँ कि लगता है क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा करके देखते हैं एक बार। लग गया भाई यहाँ पर। यहाँ पर भाई ये पूरी जोत वगैरह भी जल रही हैं, ये देख रहे होंगे आप भाई। पत्थर का साइज देख लो यार, कितना भयंकर है यहाँ पर, पूरा इधर से इधर तक है। मतलब ऐसा था कि यार उस टाइम पे ना यहाँ पर पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया था, केवल मंदिर छोड़ के मंदिर यहाँ पर टिका हुआ रहा, बाकी भाई आसपास का तो कुछ भी नहीं बचा था। तो ये जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बना हुआ, ये सारा यहाँ पर फिर से दोबारा से बना, ये जितना आप देख रहे हो। मतलब इधर तो देख लो अभी भी काम चल ही रहा है, इधर अभी भी ढंग से नहीं बने, तो इधर साइड अभी भी काम चल रहा है। तो बस यही है। और यहाँ पर भाई हमको GS फिल्म दिख गए, ये रहा यहाँ पर GS फिल्म, तो वो भी यहाँ पर ना अपना वीडियो वगैरह बना रहे हैं, ला रहे हैं शायद। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पर मिल गए हमको GS फिल्म। तो उनको भाई हम अभी तक ना वीडियोज़ वगैरह में देखते थे, मैं पहली बार उनको यहाँ पर देख रहा हूँ, तो एक बार उनसे मिलते हैं फिर बात वगैरह करते हैं, देखते हैं वो हमसे बात वगैरह करते हैं या नहीं। तो भाई देख लो अभी उनका भी यहाँ पर वीडियो वगैरह शूट चल रहा है, तो अभी मिलते हैं भाई उनसे, पहले उनको वीडियोज़ वगैरह बनाने देते हैं। ये देख लीजिए उनका भी यहाँ पर पूरा शूटिंग वगैरह चल रही है, पर मुझे तो यहाँ पर GS फिल्म वगैरह देखने को मिल गए। तो भाई अपने तो कंटेंट में 4 चांद लग गए समझ लो। तो अभी मिलाता हूँ मैं आप लोगों को, वो भी शायद केदारनाथ की ट्रिप में आ रखे हैं इस टाइम पे, तो मिलाता हूँ मैं आपको। ये रहे यहाँ पर सर। अरे सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, यहाँ पर दर्शन। हाँ जी दर्शन वगैरह कल आपने कर लिए? कल शाम को। कल शाम को कर लिए? अच्छा कब पहुँचा आप इधर? हम परसों रात को। परसों रात को? ठंडी लग रही होगी आपको? ठंडी थी बट आदत सी हो गई ऐसे जीने में। ये तो है। कहाँ पर रुके हुए थे आप, कैंप वगैरह में? पहले दिन कैंप रुके थे, दूसरे दिन अभी होटल लिया हुआ है, अभी छोड़ रही है बस, समझ लो बैग वहाँ पड़े, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, ये पास में 100 मीटर। ठीक ठीक। तो आपकी पूरी टीम आ रही है या? 3 जने। अच्छा 3 जने आ रही है। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। प्यार है आपका मेरे भाई। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। फिर मैं दर्शन वगैरह करने आ रखा था, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर GS फिल्म भी आ रखे हैं, वो भी यहाँ पर अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पे, तो यहीं पर बैठ रखे हैं वो। बस यही है यार, यहाँ पर आकर के ना अच्छा लगता है। तो ये है कि यहाँ पर यार मेरे हिसाब से तो हर एक को आना चाहिए, एक ना एक बार तो आना चाहिए अपनी पूरी लाइफ में, तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है इधर पर आकर के। देखो मतलब ऐसी जगहों में जा करके ना एक तो भाई मन इतना शांत हो जाता है ना भाई। यहाँ पर देख रहे होंगे आप मेरे पीछे शूट चल रहा है उनका। तो यही है यार कि मेरे को वैसे उम्मीद तो नहीं थी यहाँ पर वो मिलेंगे, पर मिल गए यहाँ पर, चलो अच्छा हुआ। तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर बात वगैरह भी करी, उसका भी मैंने वीडियो वगैरह बना रखा है, तो इस टाइम पे वो अपना यहाँ पर कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम अपना कर रहे हैं। समय ना यहाँ पर मतलब ऐसा है कि मोटो ब्लॉगिंग वाली कम्युनिटी इतनी होगी नहीं, तो हमको मिलने का ना यहाँ पर अच्छा मौका मिल गया, तो हम उनसे ना अच्छे से यहाँ पर बात वगैरह कर पाए, हमने फोटोज़ वगैरह ली। मतलब आप लोगों ने या तो देख ही लिया होगा या तो इस क्लिप के बाद मैं उस चीज़ को यहाँ पर लगा दूंगा। मैंने पूछा तो वो बोल रहे थे कि हमने कल यहाँ पर दर्शन वगैरह कर लिए थे, तो आज वो मेरे को लग रहा है यहीं कहीं रुक रखे होंगे या फिर आज उन्होंने निकलना होगा। ये भाई यहाँ पर क्या कर रहा है इनको भी दिखाता हूँ मैं तुमको, ये देखो। तो चलो जी अब चलते हैं यहाँ से भैरवनाथ के मंदिर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये शिला भी दिखा दी, ये वाली शिला, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी दिखाई दी, और मंदिर भी भाई यहाँ पर लगभग हमने कवर कर ही लिया है। बाकी यहाँ पर भाई GS फिल्म से भी हमने आपको मिला ही दिया है। अब बस यहाँ पर से ये है ना कि निकलने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर से मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि अभी हम उस वाले मंदिर पर जाएंगे, वहाँ पर है भैरवनाथ का मंदिर, अभी ना काफ़ी ज़्यादा हाइट में, तो बस यही है। बाकी यार यहाँ पर पहाड़ियों को ना मेरा मन तो कर रहा है बस इसी को देखता रहूँ यहाँ पर चारों ओर। देख रहे होंगे आप मेरे पीछे से इस टाइप से कुछ बना रखा है यहाँ पर। नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं, तो अभी तो यहाँ पर भाई ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, तो धीरे धीरे ना ये सब चीज़ें यहाँ पर रेडी हो जाएंगी। तो ना ये जो केदारनाथ मंदिर है ये काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर पूरा तैयार हो रहा है, तो अभी तो इसमें बस काम चल ही रहा है। ये लोगों ने यहाँ पर ये काफ़ी सारे बना रखे हैं, दिख रहे होंगे आपको, तो इनको ना यहाँ पर ऐसे रख करके लोग अपनी मन्नत वगैरह यहाँ पर मांगते हैं, तो बस यही रहता है। तो हम वहाँ ऊपर पे जाकर के इसको बनाएंगे, बोले ऊपर वहाँ भैरवनाथ के मंदिर जाने का रास्ता कहाँ से? ऊपर तो चलो जी, यहाँ से ऊपर को जाना हमने, चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। ना यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं था, तो अंदर का मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, पर बाहर बाहर से तो मैंने आप लोगों को लगभग दिखाई दिया।
पर फिलहाल हम अभी यहाँ पर जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं ऊपर पे। तो बस जा रहे हैं हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस करते हुए, तो एक छोटा सा ब्रिज है इस साइड को जाने के लिए, यानी कि इधर से जाना है हमने ऊपर। अब तो पहले ये ब्रिज यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए जी यहाँ पर पहुँच तो गए, अब करते हैं यहाँ पर दर्शन। तो इस वाले रास्ते से हम अभी होते हुए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मंदिर का गेट वगैरह है, तो अब करते हैं भाई अंदर दर्शन, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए जी चलते हैं आप अंदर और करते हैं यहाँ पर भैरवनाथ के यहाँ पर दर्शन। तो यहाँ पर से भाई गेट है ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से हम अभी अंदर के लिए आए। और रास्ता ना वैसे यहाँ पर भाई पूरी चढ़ाई वाला था ये वाला भी, और इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ के आ रखी है 21 किलोमीटर, तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं लगा। तो फटाफट से हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो अब करते हैं भाई अंदर दर्शन वगैरह और देखते हैं भाई कि क्या रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भाई बाबा जी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ अंदर पे, यहाँ अंदर देख रहे होंगे आप यहाँ इसके अंदर, तो भाई कुछ ऐसा है। तो चलो पहले चलते हैं यहाँ अंदर, मेरे पीछे पे आप देख ही रहे होंगे भाई पूरा यहाँ पर मंदिर वगैरह साहब। यहाँ से ना और भी भयंकर व्यू देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा हाइट में, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। तो देख रहे होंगे आप लोगों ने पूरे यहाँ पर ये चुन्नी वगैरह यहाँ पर बांध रखी है, जो माता की यहाँ पर वगैरह होती है वो यहाँ पर लगा रखी है। और यहाँ पर भाई आस्था तो बहुत है लोगों के अंदर मंदिरों के लिए, तो यहाँ पर भाई बर्फ़ वगैरह भी जम रखी है, देख रहे होंगे आप नीचे पे ये पूरी यहाँ पर ना बर्फ़ वगैरह जम रखी है। और भाई ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर पे आकर के। तो चलो भाई पहले फटाफट से दर्शन वगैरह करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो चलिए जी अब निकलते हैं यहाँ पर से और चलते हैं फिर नीचे के लिए। यहाँ पर भी हमने दर्शन वगैरह कर ही लिए, दर्शन वगैरह हमने यहाँ पर कर लिए, तो अभी वहाँ पर ना पूजा वगैरह हो रही है, तो उसका भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक दो भी शॉट दिखा दिए थे छोटे छोटे, तो भाई कुछ ऐसे। बाकी यहाँ पर से देखो भाई यहाँ पर ना ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो चलो जी निकलते हैं फटाफट से यहाँ पर, अपने सूज वगैरह पहनते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। तो जो VVIP आते हैं वो तो खैर ऊपर वाले में आते हैं, पर जो नॉर्मल यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, वो नीचे वाले में उतरते हैं। यहाँ जो नीचे पे यहाँ पर हेलीपैड उसमें उतरते हैं, और फिर वहाँ से थोड़ा सा उनको चल करके आना होता है। तो मंदिर भी वैसे नज़दीक में, इतना ज़्यादा दूर है नहीं।